मछलियाँ मार दी हैं बहराम साहब ने। यार मैंने क्यों मारे है? कैसे मरी हैं यार? छलांगे लगी थी एक की, तो मुझे समझ नहीं आई यार यहाँ से उधर तक कैसे छलांग लगाई थी। इधर ही पड़ी थी, ये देख ये जगह है उसकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली मार, आप देख रहे हैं बड़ी लेक से ऑफिशियल। आज हम ऊपर आ गए अपने कामों पे क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और अभी हम आए हैं ऊपर। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, चलते हैं देखते हैं अपने परिंदों को क्या हिसाब किताब है। मुर्गियाँ तो हमने पहले से ही खोल दी थी आने के साथ ही क्योंकि शोर मचाया हुआ था उन्होंने। जाते हैं देखते हैं अंदर मेहरान भी क्या कर रहा है और अंदर के जो बर्ड्स वगैरह हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले आए मुर्गियों को दिखाता हूँ मैं आपको। मुर्गियाँ हमारी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और हवा फिर से तेज़ चलने लगी है। मेहरान बुला रहा है, देखते हैं क्या हुआ है। ये क्या है यार? मुझे तो कोई और सीन लग रहा है यार, ये क्या हुआ है यार? मुझे इस तरह लग रहा है मछलियां रोस्ट कर दी तुमने यार। ये देख, या तो इन लोगों ने मेरा खाली बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया क्योंकि इस पे देख यार धनिया वगैरह भी लगा हुआ है ना। क्या नहीं, ये क्या है? मछलियाँ मार दी हैं बहराम साहब ने। यार मैंने क्यों मारे? कैसे मरी हैं? यार छलांगे लगी थी एक की, तो मुझे समझ नहीं आई यार यहाँ से उधर तक कैसे छलांग लगाई थी। इधर ही पड़ी थी, ये देख ये जगह है उसकी। तो यहाँ से यार बहुत काफ़ी तकरीबन 3 मीटर का फासला है। ये बिजली बाकी भी यहाँ दबके बैठी हुई है। हाँ यार, इसके लिए अब क्या करें यार? ऊपर जाल लगाया कि क्या करें? ऐसा करो इनको ना उठा के ना बाहर मुर्गियों को डाल दो बस, ये तो मर गई हैं, फिर क्या करना है? हाँ मेहरान, इसे छोड़, इसे उठाओ, इसे उठाओ, बाहर मुर्गियों को डाल दो बस। इसको बाहर मुर्गियों को डाल देते हैं यार, तो नहीं कर रहे बेचारे। कल के मेहमान थे भी तो, एक 24 घंटे भी इनके पूरे नहीं हुए थे हमारे पास। क्या कर सकते हैं बस, जो किस्मत में था वो पानी भी इसकी बेचारी पाँच ऑन हो गए, पांच मर गई हैं। इनमें एक बड़ी वाली थी, वो जिंदा है कि मर गई? हाँ वो जिंदा है, वो दर्शन दिए मेरे पास से। हाँ ये, हाँ वो बहुत प्यारी है यार। ये चलांग ना लगे इसके ऊपर यार, हम ऐसा करते कि जाल लगा देते। हाँ के बाद जाल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बाकी भी जंप कर सकते हैं ना। ये तो छोटे थे, वो बड़े वाले तो है भी, लेकिन वो बड़े समझदार थे ना, उनको पता था कि बाहर जाने से हमारी मौत हो सकती है। वो तभी तो गए नहीं, ये बेचारे छोटे थे, इसको क्या पता। अच्छा साफ भी करना पड़ेगा इसमें, थोड़े से कीड़े मीड़े भी पड़े हैं। कीड़े ओए, ये आप लोगों का काम तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं ये नहीं निकाल सकते, ये पानी के अंदर होती हैं। वो तो शरीर पे, वो बेचारे तो ये काम नहीं कर सकते, उनको काम नहीं पता है। चलो जो किस्मत में था वो तो हो गया, बाहर ले आओ इनको, उठा के ना इनको, उसको डाल दो मुर्गियों को यार उधर डालते साफ जगह। प्लेट में मैंने रख दी हैं मछलियाँ, देखते हैं उधर से इनको भगाओ यहाँ पे। मट्टी गिली रही है, पौधे निकल आए किसमें? उस साइड पे निकल आए, अब वो पता नहीं पालक की क्या है, उस साइड पे पालक की बैठ कर मछलियाँ के ऊपर आ गई हैं मुर्गियाँ, लेकिन खाती हैं कि नहीं खाती? लगी भी तो हैं टुंगे मारने में। बुरी खबर यही है कि बस आज हमारी मछलियाँ मर गई और हम सैड बैठे हुए, क्या करें मेरा? लेंगे यार और ले आएंगे, चलो और मछलियाँ आने पड़ी नहीं अब, उसके साथ साथ कछुए भी लेंगे। हाँ कछुआ तो 2 महीने बाद ही आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे। अच्छा उसने कहा था ना, कहता कि 2 महीने बाद आएगा कछुआ। अब ये है कि ख्याल करेंगे इंशाल्लाह आगे से। और मेहरान क्या कहता है इस बारे में, ये मेहरान से पूछते हैं। हाँ मेहरान आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत दुख हो रहा है, बेचारों को पाले भी नहीं है, पूरे एक दिन भी नहीं हुआ उसका, मेरे ख्याल से 24 घंटे नहीं हुए ना अभी तक, नज़र लग ही लग रहे यार। क्या कर सकते हैं, उन लोगों ने जंप लगाई है, मतलब किसी बिल्ली ने नहीं कहा, किसी बेंचेस वगैरह ने नहीं कहा, वो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने खुद ही चलांग लगा के अपने आप को मार दिए। चलो चलो हमें पता चल जाएगा कि यार इस तरह जैन की वो भी करनी है कि हमें ऊपर जाली वगैरह या शीट वगैरह भी लगानी है। ये बात थी कि हमें आइडिया नहीं था कि इसको रखेंगे। हाँ व्यूअर्स, हमें तो कोई आइडिया नहीं था कि हमें मछलियों के ऊपर जो है वो पाउंड के ऊपर भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि जब मार के बाहर आ जाएंगी। अब 5 मछलियाँ रुख्सत हो चुकी हैं हमसे, अब इंशाल्लाह देखते हैं बाकियों का ख्याल करते हैं और इंशाल्लाह नई लाने की तैयारी करते हैं कि कुछ मछलियाँ नई लेकर आएँ फिर से। हम मछलियाँ बेचारी जो हैं हमारी, वो सेम के साइड पे कॉर्नर में बैठी हुई,
इसका मतलब ये कि इनके लिए थोड़ा कवर एरिया चाहिए, तो मैं क्या ऐसा करता हूँ कि वहाँ पे जो पत्थर पड़े वो निकाल के मैं इस बड़े पॉन्ड में डाल देता हूँ। इससे ये होगा कि इनको थोड़ा सा जगह मिल जाएगी छुपने के लिए, ताकि आराम से जो है वो पानी में सर्कुलेशन कर सकें अपने। पॉन्ड में मैंने सारे पत्थर लगा दिए। अब ये देखें पत्थरों के बीच में आई हुई है, देखें इसलिए मैंने पत्थर लगाए क्योंकि ये ना मछलियाँ हमेशा किसी चीज़ के साथ सपोर्ट के साथ चलती हैं और बड़ी चीज़ के अंदर, क्योंकि जितनी बड़ी जगह होगी उतना जो है ये डर डर के अंदर घूमेंगी। तो ये है कि ये हमेशा किसी न किसी सपोर्ट के ज़रिए ही इधर से उधर मूव करेंगी। और ये बेचारे मेरे बार बार पाँव में आ रहे हैं। ये काम तो हो गया है, बाहर चल के देखते हैं कि मेहरान क्या कर रहा है। लगता है मेहरान साहब ने मुर्गियों का जो पिंजरा है वो भी साफ़ कर लिया है। अच्छा वहाँ गंद पड़ा हुआ है अभी, मेरे ख्याल से वहाँ की सफाई नहीं हुई। मेहरान अंदर की सफाई नहीं की अभी? ओ वाह, मेहरान ने तो यहाँ का सारा काम जो है वो सही कर लिया है, सारा एरिया साफ़ कर दिया उसने। यार मेहरान तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, सफाई है निफ्टी मान। तुहूर शत्रुल ईमान पाकिजगी जो ईमान का हिस्सा है। गुड यार, फिंचेस को मैं भी चेक कर रहा था कि हमारे पास फिंचेस कौन कौन से कलर की ज़्यादा हैं। तो डार्क ग्रे में, लाइट ग्रे में के फिंचेस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक हमारे पास ना ब्राउन कलर की फिंच भी आ गई है। अब वो कहाँ से आई है वो मुझे कुछ नहीं पता। ये देखें ये बैठी हुई है और ये है प्योरली ब्राउन कलर की। अब ये फिंच कहाँ से आई है कोई आइडिया नहीं है, इनके अंदर से ही पैदा हुई है, लेकिन कैसे हुई है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कोई भी ब्राउन कलर की कोई भी फिंच नहीं है। जितनी भी हैं वो सारी या तो वाइट हैं या ग्रे हैं या डार्क ग्रे हैं या लाइट ग्रे हैं, तो इस कलर की हैं, लेकिन ब्राउन कलर की नहीं है। ये ब्राउन कलर की इनमें से ही निकली हुई है। हाँ मेहरान साहब, सफाई आपने कम्प्लीट कर ली है? अब क्या इरादा आगे का? बस वो जगह अब साफ कर रही। कौन सी जगह? वो सामने उधर भी बहुत गंद मचा हुआ है। ये जगह बस आ जाओ कि बस लगे रहे फिर इसको भी साफ़ कर लें। इसमें से काफ़ी हमारे काम की चीज़ें निकल आएंगी, जिससे हम यहाँ पे भी ना दूसरा केज भी बना सकते हैं। सही है ना? चलो आ जाओ फिर। अच्छा मेहरान साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं आया हूँ यहाँ पे कि मैं फिश जो है हमारी उसको खाना डाल दूँ। तो ये है उनका खाना, अब इनको थोड़ा बहुत डाल देते हैं क्योंकि कल डाला था और आज डाल रहे हैं, तो सुबह से अभी तक कुछ नहीं डाला था। अब मैं इनको थोड़ा सा खाना डाल देता हूँ। किसी को मैंने खाना डाल दिया। अच्छा हाँ, वैसे इनको आज नहीं डालना, कल ही डालेंगे। उनका भी पानी मैंने चेंज कर दिया, पता होगा वो वाला पानी मैंने चेंज कर दिया। बस अभी बाहर ही रहेंगे। बस मैं तो कहता हूँ बाहर ही रहें। हाँ तेरे ये बड़ा हो रहा था जल्दी, अब वो बड़ा हो रहा है यार। ये बड़े मज़े के हैं यार, घूमते रहते हैं। इसमें पानी डाल देना, ये नहीं ये खाली जो पड़ा हुआ है, इसमें ही पानी डाल दो। अरे वे, इधर कहाँ कर रहा है? मेहरान साहब आ गए स्प्रे करने के लिए। खैर कर, बर्ड से ज़्यादा स्प्रे नहीं करना चाहिए सर, बस बहुत है इतना। अच्छा उस टाइम से मैं इस बतख के बच्चे को देख रहा हूँ, ये आता है यहाँ पर खाना खाता है और खाना खाने के बाद जाके वहाँ से पानी पीता है। ये खाना ही ऐसे खाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। अभी वापस आएगा तो यहाँ पे आके खाएगा, अब वहाँ जाएगा वहाँ से आके पानी पिएगा। बहुत ही अक्लमंद है यार ये, और दोबारा आएगा यहाँ से खाना खाएगा। दूसरे ने भी जगह देख ली है, देखें यहाँ से भी खाना खा रहा है, और अब की खाना जैसे मुँह में लेगा ना वहाँ हो जाएगा, वहाँ से आगे पानी पिएगा। बहुत तेज़ हो गए यार ये। मेरा नहीं, क्या कर रहे हो यार? यार ये पत्थर साफ कर रहे हैं ना, ये उधर पॉन्ड में डालेंगे नीचे। अच्छा अच्छा, देने से नहीं कर रहे, दो तीन बार साफ की कर दीजिए। सही है,
बहुत सारे पत्थर हैं यार ये तो। अभी भी इसमें गंदा है। अच्छा एक कोरियम वाले पत्थर हैं ये। बस ऐसा करके उठा के ले आ। ओ भाई पत्थर ये पतीले पूरा बड़ा है, ये किस तरह उठाऊं मैं? चल उठा, चल आ जाना। मेरा ना ऐसा कर ये नदी में डाल दे यार। हां ये पानी निकाल के ना। वाह क्या चास आ रही है वैसे इसकी यार, वाइट वाइट सारा। इसी में डाल दे निकल जाएगा, वैसे ही पानी चेंज करना है अभी हमने इसका। ज़्यादा ज़्यादा मोटा मोटा कर। चलो हमने पूरी नदी में जो है वो पत्थर वही पत्थर बिछा दिए, बिल्कुल वाइट कर दिया हमने। अब ये है कि हम इसका पानी साफ़ करना है पॉन्ड का। जारी बात है जो गंद वगैरह था ना पत्थरों से भी निकला होगा, ये निकला हुआ है तो मछलियाँ तो हमें निकालनी है दूसरी चीज़ में, ताकि हम जो है इसको बिल्कुल साफ़ कर लें पॉन्ड को। मछलियाँ हमने इसमें निकाल ली है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम ये पॉन्ड का जो है ना पानी वगैरह साफ़ कर रहे हैं। अपने जो इसमें जो बजरी वगैरह डाली है तो वो अच्छा। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने अपनी जो मरी हुई मछलियाँ हैं वो देखी हैं। बस क्या कह सकते हैं, ये तो लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह उनके लिए ख्याल किया हमने, ऊपर उनके कवर लगाया है प्लास्टिक का ताकि दोबारा जो और जो है वो उस तरह के नुकसान से बच सकें। बाकी ये कि हमने आज जो हमारे जो स्ट्रीम सी थी उसके अंदर हमने वो बजरी वगैरह डाल दी है, वहाँ पर भी थोड़ी बजरी डाल दी, जैसे ये होगा कि इसकी लुक जो है ना वाइट कलर में बहुत प्यारी लगेगी दिन के टाइम। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो कल दिखाऊंगा। और मेहरान साहब बैठे हुए हमेशा की तरह बर्तन साफ़ कर रहे हैं, परिंदों को खाना माना डाल रहे हैं, जन्नत में जाने की पक्की तैयारी की हुई है। हाँ मेहरान। हाँ यार बस क्या करें, जिस तरह हम यार अपने बर्तन जो खाने के बर्तन वगैरह होते वो हम साफ पसंद करते हैं, तो ये भी बेचारे इनको भी हके के साफ चीज़ में खाना खाए पानी पिए, और जो साफ चीज़ें इनको मिलेंगे साफ खाना साफ पानी तो इसकी सेहत भी अच्छी होगी और शायद दवा भी दे यार। और तो हमारे एमआरवीएसी बिल्डिंग में इसी की वजह से शायद जन्नत में चले जाए। ओके व्यूअर्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।